नमस्कार, आइए आज बनाते हैं धाम वाला खट्टा कद्दू। इसे बनाने के लिए कद्दू को छोटे छोटे पीसीज में काट लीजिए। चनों को रात भर भिगोकर उन्हें उबाल लीजिए। मसालों में लाल मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी दाना और बड़ी इलायची तैयार रखिए। अदरक को कद्दूकस कर लीजिए। आमचूर को पानी में घोल कर तैयार रखिए। अब एक बर्तन में तेल गर्म कीजिए। तेल गर्म होने पर उसमें मसाले को ब्राउन होने तक भूनिए। मसाला भूनने के बाद उसमें अदरक को मिला दीजिए। अब इसे थोड़ी देर तक इसी तरह से चलाइए। अब इसमें आमचूर का घोल डाल दीजिए। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रतन जोत मिलाइए। इन्हें मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर तक चलाइए और 2-3 मिनट तक पकने दीजिए। अब इसका रंग चेंज हो जाएगा। अब इसमें चीनी मिलाइए। चीनी मिलाने के बाद इसमें नमक डालिए। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें उबले हुए चने मिलाइए। चने मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर तक इसी तरह से पकाइए। अब इसमें कद्दू के कटे हुए पीसेस मिलाइए। कद्दू मिलाने के बाद प्रेशर कुकर को 2-3 बार चलाने तक बंद कर दीजिए। तो लीजिए, अब हमारा कद्दू तैयार हो चुका है। इसे चपाती, चावल और पूरी के साथ खाइए और इसे ज़रूर बनाइए। और मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।